हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर इंफॉर्मर। मैं सुनियो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट इन अरविंद, स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने कुछ दिन पहले जहां पर कि देखा गया था कि एक तीसरी मंजिल की छत ढह गई थी और छत में बेसिकली वहां पर शटरिंग वर्क चल रहा था, जिसके कारण क्या हो सकते हैं ये हम पता लगाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स ने हमने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट शेयर की थी आपके साथ में, जो थी शटरिंग की चेकलिस्ट, कि हमें शटरिंग करते हुए क्या क्या मेजर जो हमारे कंसर्न होते हैं वो ध्यान में रखने चाहिए, जिससे कि हमारे कंस्ट्रक्शन को बिना किसी नुकसान के हम लोग कंप्लीट कर सकें। फ्रेंड्स, बेसिकली ये देखा जाता है कि जहां पर हम लोग अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको एक ढंग से कह सकते हैं, जो मेजर जो पॉइंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, और जिसके कारण जो है हमारे को इन टाइप की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वहाँ इस कंस्ट्रक्शन वर्क में ऑलमोस्ट जो है 5 से 6 लोगों को इंजर्ड होना पड़ा था, और वहाँ पर स्लैब जो शटरिंग था उसका फेलियर जो है वहाँ पर जब उसकी जो छानबीन की गई उसमें सामने आया। तो फ्रेंड्स, हमेशा शटरिंग करते हुए जो है आपको कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जो हम ऑलरेडी अपने एक चेकलिस्ट वीडियो के अंदर शेयर कर चुके हैं, वो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क को बिना किसी चेकलिस्ट के परफॉर्म करते हैं साइट के ऊपर, तो फ्रेंड्स इस टाइप के जो इंसिडेंट हैं वो हो सकते हैं, और वो भी ये आज की डेट में जो अगर आने वाले 1-2 महीने जो है वो रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, यहाँ पर तो हमें और भी ज्यादा जो है सावधानियां बरतनी चाहिए अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को करते हुए। तो फ्रेंड्स, वहां पर ये देखा गया था कि कंक्रीटिंग हो रही थी और कुछ पोर्शन के अंदर जो है वो शटरिंग का काम भी चल रहा था, जिसके कारण कंपनी के जो इंजीनियर्स थे वहां पर कह सकते हैं कि कुछ लापरवाही जरूर रही होगी, जिसके कारण जो है ये इंसिडेंट वहां पर हुआ है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करें तो उसकी एक चेकलिस्ट जरूर तैयार करें, जिससे कि आप अनहोनी की जो घटनाएं हैं उनसे अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को बचा सके, क्योंकि फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर आपका कोई भी काम जो इस टाइप की जो इंसिडेंट होते हैं उससे आपको मैन पावर के साथ में जो है आपको काम का भी नुकसान होता है, टाइम का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, और आपकी इमेज उसका भी नुकसान होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप बिना किसी चेकलिस्ट के अपना काम परफॉर्म करते हैं तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे आपकी इमेज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो काम को ठीक ढंग से परफॉर्म ना करने की वजह से कह सकते हैं उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करें पहले उस एक्टिविटी के बारे में पूरी नॉलेज गेन करें और उसकी चेकलिस्ट को जरूर स्टडी करें, और उसकी एक एक छोटी छोटी जो बातें हैं उस चेकलिस्ट के अंदर लिखी गई उनको जरूर कंसर्न करें और उनको जरूर जो है ऑब्जर्व करें कि ये एक्टिविटीज ये साइट पे हुई हैं या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो कृपया उनको जो है पहले कंप्लीट करें, चेकलिस्ट अपनी कंप्लीट करें, और तभी जो है नेक्स्ट एक्टिविटी को प्रोग्रेस में लाएं, क्योंकि अगर आप इस ढंग से अपनी चेकलिस्ट को थोरोली जो है साइट पे वेरीफाई नहीं करते हैं, साइट की एक्टिविटीज को वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आपको जान माल का नुकसान वहां पर उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप जो है अगर चेकलिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा आप अपनी लिंक्स दे देंगे जो भी हमने अब तक चेकलिस्ट आपके साथ में शेयर की, और डेफिनेटली फ्यूचर में भी हम आपके साथ में वेरी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। और आप चाहे क्लाइंट हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कंसल्टेंट हो, आप फ्रेशर इंजीनियर हो, तो भी आपको जो है इस एक्टिविटीज चेकलिस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब आपसे इंटरव्यू में किसी भी एक्टिविटी के बारे में पूछा जाए तो आप उसका जो है अच्छे से आंसर दे सकें, और इससे आपकी नॉलेज भी एनहांस होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वहां से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे से कभी भी कोई भी एक्टिविटी करें तो उसकी चेकलिस्ट एक बारी जरूर गो थ्रू कर लें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।